अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रिजवान भाई, माशाल्लाह ये आप लोगों ने काविश करी है अफ्तार करवाने की लोगों के लिए, इसके अंदर आपकी पूरी टीम के जितने भी मेंबर होते हैं, कितने लोग होते हैं जो आपकी यहाँ पे मदद करते हैं, वॉलंटियर जो होते हैं आपके, वो कितने लोग होते हैं और कितने ड्यूटी पेशा होते हैं जो अपनी ड्यूटियों को तर्क करके फिर इधर आके आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं पूरे काम को, इसकी क्या शेड्यूल है और क्या तरतीब है और कराची में किन किन जगहों पर ये काम चल रहा है आपका? कराची में माशाल्लाह आपको बताइए कहाँ कहाँ लग रहा है माशाल्लाह, पर हमारा ये सातवां कैंप है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इसी तीसरा इस कैंप पे और चार दूसरी जगह पे हमने लगाए माशाल्लाह। अच्छा रिजवान भाई, ये बताइएगा कि ये आप अफ्तार करवा रहे हैं, ये आप अपना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत बड़ी एक सियासी जमात है, ये इन लोगों ने जो दस्तरखान का इफ्तिताह किया या अफ्तार पार्टी अफ्तार का इन्होंने लोगों को शुरू किया कि अफ्तार करवाना चाहिए, तो इसके अंदर ये रंग नस्ल मज़हब या फिरका देखना चाह रहा है या मतलब खुलेआम सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है? हज़रत खुलेआम सबके लिए माशाल्लाह, ये एक के लिए नहीं है, फिरके के लिए नहीं है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं, आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं कि कौन क्या है कौन क्या है, फिरके दिखाएगी कि यहाँ पे सारे जी जी फिरके के हवाले से नहीं है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सबके सामने है, सब लोग बैठे हैं माशाल्लाह। इस बार में ये बताएगा, ये अफ्तार का सिलसिला तो अब आप लोगों ने 7-8 जगह कैंप आपके लगाएं, इसके अंदर आगे की क्या प्लानिंग है, आपने क्या सोचा हुआ कि अगले रमज़ान आएगा या अगले जो सादा दिन आएंगे, ईद के दिन आएंगे, बकरीद के दिन, उसमें आप लोगों की जो वेलफेयर है तहरीक लब्बैक की, वो वेलफेयर की क्या काविश है, क्या प्लानिंग है, उसके बारे में आप हमें बताएं? इंशाल्लाह ईद के हवाले से हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, आप हमारा भी नंबर लीजिएगा ठीक है, ईद के पहले दिन एक इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक सरप्राइज़ देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, कुरंगी नंबर 2 पे इंशाल्लाह, वो आपको हम वक्त बता देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये जो अब आपने अफ्तारी का करा दिया, अब इसके बारे में ये बताएं कि सहरी के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है, मतलब सहरी भी इसी तरह मुसलसल होगी या उसके अंदर कुछ गैप आएगा या कुछ प्लानिंग रोकी हुई है, कुछ रखी हुई है उसके लिए सहरी के बारे ये में? फिल वक्त टेम्प्रेरी है अल्हम्दुलिल्लाह ये ना। अच्छा जी जी। अच्छा वो जो आपकी जो सहरी हो रही थी अपना नुमाइश चौरंगी पे, वो कुछ दिनों के लिए अभी वहाँ पे रुक गया मामला, तो उसके बारे में लोगों को बताएं कि वो मामला क्यों रुका है, क्योंकि लोग काफ़ी लोग वहाँ पे आस लगा के बैठे हुए कि तहरीक लब्बैक वाले सहरी करवाएंगे तो हम वहाँ जाएंगे, तो अब लोगों को मेरे चैनल के जरिए लोगों को पता चलेगा कि क्यों रुका है और कब ये मामला दोबारा ओपन होगा। जी ये जुलूस के मामले चल रहे हैं आपके सामने, तो 5 दिन का वक्फा था, इंशाल्लाह 23 तारीख से फिर दोबारा वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इन्होंने बताया कि जो नुमाइश चौरंगी पे इनका जो शहरी का मामला चल रहा था वो सिर्फ जुलूस की वजह से इन्होंने रोका, कुछ टाइम के लिए गैप लिया है और इंशाल्लाह ताला जब वो गैप ख़त्म हो जाएगा और 23 तारीख से दोबारा इनका एक सिलसिला शुरू होगा और जैसे जैसे अफ्तार का टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे रश लगता जा रहा है। अच्छा रिजवान भाई, ये बताइएगा कि आपके यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर हैं, इसके अंदर वॉलंटियर जो आपके पास काम कर रहे हैं, ये सारे नौकरी पेशा हैं या सिर्फ आपके वेलफेयर के अंदर ही जॉब करते हैं? जी नौकरी पेशा हैं, वेलफेयर के भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी। और ये वेलफेयर के आपने जो ऑफिस खोले हैं, ये कराची के बाहर आपने कितनी जगह पे इसके ऑफिस ओपन कर दिए हैं, क्या आपने इसकी प्लानिंग की है? ये हमारे बड़े बताएंगे इंशाल्लाह जो भी है, पर जितना हमें टास्क मिला अल्हम्दुलिल्लाह ये करना है तो आपके सामने आपको माशाल्लाह जितना भी टास्क मिले आपने तो मसला उससे बढ़ के करके दिखाया है काम। ये रिजवान भाई को जितना टास्क मिला था कुरंगी के अंदर काम करने का, रिजवान भाई की काविश थी और इनके जो मिलने वाले दोस्त हैं, इनके जो ताउन करने वाले दोस्त हैं, जो बढ़ चढ़ के आगे काम करवाते हैं, उन लोगों ने इस टास्क इनको मिला था 50% का, लेकिन इन्होंने ये 100% से ऊपर करके दिखाया है। ये इनकी एक मेहनत है और इनकी मेहनत को सराहाया जाए, इनकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाए और जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं वो आगे देखेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान माशाल्लाह वेलफेयर के काम में कितना बढ़ चढ़ के कराची के अंदर हिस्सा ले रही है और ये कराची के ही नौजवान हैं, कराची के नौजवानों का जज्बा है जो इतना बढ़ चढ़ के फलाही कामों में हिस्सा ले रहे हैं। और मज़ीद इन्होंने ईद के बारे में बताया कि ईद की इन्होंने क्या प्लानिंग रखी है, ईद के दिनों में बताएंगे, वो इन्होंने एक सरप्राइज़ रखा हुआ है कि ईद के दिनों में क्या प्लानिंग रखी है। अच्छा रिजवान भाई, ये बताइएगा कि अब ये जब यहाँ पे अफ्तार हो जाएगी तो बहुत सी जगह ऐसा होता है जब अफ्तार हो गए लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे गंदगी छोड़ के चले जाते हैं, अच्छा आप इसके बारे में बताएं कि आपकी जमात ये अफ्तार होने के बाद इसके बाद सफाई का क्या माहौल है? आप यहाँ पे हैं इंशाल्लाह आपको देखिएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा भाई रिजवान भाई कह रहे हैं कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अफ्तार के बाद देखिएगा कि यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे अफ्तार हुआ है। और मज़ीद यहाँ पे इनके जो बड़े रहनुमा उनसे हम बात करते हैं और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।